साहित्य समाज का दर्पण होता है और जो युगीन परिस्थितियां होती हैं वह अनिवार्य रूप से साहित्य पर प्रभाव डालती हैं। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर आज हम आदिकाल या वीरगाथा काल, मतलब हिंदी साहित्य का जो आदिकाल या वीरगाथा काल है उसकी युगीन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो हम निम्न बिंदुओं के आधार पर आदिकाल के युगीन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर राजनीतिक परिस्थितियाँ, आदिकाल में किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, आर्थिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, धार्मिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया कौन सी थी और साहित्यिक परिस्थितियाँ कौन सी थी, और अंत में निष्कर्ष। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो यह प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं है और आप सीधे यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो मैं हिंदी साहित्य में बहुत ही स्तरीय आप लोगों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साहित्य का वातावरण शून्य में निर्मित नहीं होता है। साहित्यिक रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियों और सामाजिक संस्थाओं का योगदान होता है। मतलब जब भी कोई साहित्यिक रचना होती है किसी भी काल में तो उसके पीछे जो ऐतिहासिक शक्तियाँ हैं, जो ऐतिहासिक वातावरण है और जो सामाजिक संस्थाएँ हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम चाहे किसी भी युग के साहित्य की चर्चा करें, उसके साहित्यिक मूल्य अपने समाज की वास्तविकता से ही प्रमाणित होते हैं। इसीलिए साहित्य के सामाजिक मूल्य और उसकी कलात्मक व्याख्या के लिए समाज की जानकारी अनिवार्य हो जाती है। मतलब साहित्य के जो मूल्य होते हैं वह समाज से ही ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए हम चाहे किसी भी युग के साहित्य की चर्चा करें, उसके जो साहित्य के जो मूल्य हैं और जो समाज की वास्तविकता है उसे उस समय की जो काल, देश काल है, परिस्थितियां हैं, वातावरण है, उनको समझने के पश्चात ही उसकी व्याख्या की जा सकती है। मतलब किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसकी परिस्थितियां, उसके देश काल, उसके वातावरण को समझना अनिवार्य हो जाता है, उसके समाज की जानकारी अनिवार्य हो जाती है। संवेदना की बनावट के पीछे आर्थिक सामाजिक संबंधों की गहरी छाया मौजूद रहती है। मतलब साहित्य की जो संवेदना है, जिसको हम महसूस करते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण जो आर्थिक और सामाजिक संबंध है ना, उनके जो अंतर संबंध है समाज के, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इनके मध्य जो आपसी संबंध होते हैं उसी के आधार पर वह साहित्य निर्मित होता है, उसकी संवेदना निर्मित होती है। आज यदि कलाकारों में भक्त कवियों जैसी गहरी संवेदना का भाव मिलता है तो इसका कारण यह है कि उत्पादन के तरीके बदलने से हमारे सोचने, समझने और अनुभव करने का नजरिया बदल गया है। इसीलिए साहित्य के सत्ता, समाज, आर्थिक गतिविधि, धार्मिक विचार और दर्शन के साथ अंतर संबंधों की जांच पड़ताल जरूरी है। जो भक्त कवि थे उनके साहित्य में जो संवेदना व्याप्त है, जो गहरी संवेदना पाई जाती है, वर्तमान समय के कलाकारों में, साहित्यकारों में वह गहरी संवेदना नहीं पाई जाती, क्योंकि उत्पादन के तौर तरीके बदल गए हैं। औद्योगिकरण के पश्चात तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है हमारे जीवन में, है ना, नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण के पश्चात हमारे जीवन में यंत्रीकरण इत्यादि के पश्चात हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हमारे सोचने समझने का नज़रिया बदल गया है और इसीलिए किसी भी साहित्य को समझने के लिए उस समय की सत्ता, सत्ता में कौन था, किसका शासन था, किस प्रकार का समाज था, आर्थिक गतिविधियाँ किस प्रकार की थी, धार्मिक विचार किस प्रकार के थे, धार्मिक आस्थाएं किस प्रकार की थी और किस प्रकार के दार्शनिक विचारधारा प्रचलित थे, इनकी जानकारी होना अनिवार्य है। उनके अंतर संबंधों की जांच पड़ताल करना जरूरी होता है। किसी भी समय में सृजित साहित्य समय सापेक्ष होता है, अर्थात साहित्य अपने सृजन काल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से अनिवार्यतः प्रभावित होता है और साथ ही साथ अपने समय को भी प्रभावित करता है। मतलब जो हमारा साहित्य होता है वह समय सापेक्ष होता है और जिस समय वह साहित्य रचा गया उस समय कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां थी, धार्मिक वातावरण कैसा था, धार्मिक आस्थाएं, विश्वास कैसे थे, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, उत्पादन के साधन क्या थे, यह सभी साहित्य को प्रभावित करते हैं और साहित्य भी इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, क्योंकि साहित्य और समाज आपस में जुड़े हुए हैं।
इन दोनों का चोली दामन का संबंध है। इसी तत्व को ध्यान में रखकर हम आदिकालीन युगीन परिस्थितियों का निम्न बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। क्योंकि समाज और साहित्य एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम आदिकालीन युगीन परिस्थितियों का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर करें। तो कौन कौन से बिंदु हैं? राजनीतिक परिस्थितियां, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी। दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां कौन सी थी। आर्थिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया और छठवा है साहित्यिक परिस्थितियां। तो किसी भी परीक्षा में जब आप उत्तर लिखते हैं तो इन सभी बिंदुओं को अनिवार्य रूप से समाविष्ट करें और इसे आप मॉडल आंसर के रूप में भी लिख सकते हैं। बस सबसे पहले देखते हैं कि आदिकाल की या फिर वीरगाथा काल की राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का प्रारंभिक काल भारतीय राजनीतिक जीवन के छिन्न भिन्न होने का काल है। मतलब जिस समय आदिकाल में साहित्य रचा जा रहा था उस समय यह राजनीतिक जीवन के छिन्न भिन्न होने का काल था। कोई स्थिरता का वातावरण व्याप्त नहीं था। इस युग का प्रारंभ राजवर्धन के मृत्यु के पश्चात और उसके अनुज और सशक्त हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के सिंहासनारूढ़ होने से होता है। तो आदिकाल का प्रारंभ कब होता है? जब राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है, जो हिंदू सम्राट थे, और उनके जो छोटे भाई हर्षवर्धन सिंहासन पे आरूढ़ होते हैं। हर्षवर्धन ने सन 606 ईस्वी में सिंहासन संभाला और अपनी योग्यता तथा प्रतिभा से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने शासन संभाला और बहुत ही योग्य थे, बहुत ही काबिल और बहुत ही बहादुर शासक थे। इन्होंने अपनी योग्यता और प्रतिभा से अपने विरोधियों का दमन कर दिया, उन्हें अपने वश में कर लिया। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के अधिकतम क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने में सफल हुआ। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी और कन्नौज को राजधानी बनाकर उन्होंने उत्तर भारत के अधिकतम राज्यों को अपने सूत्र में बांधने में सफल हो गए, एकता के सूत्र में बांधने में सफल हो गए। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र होकर न रह सका और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। क्योंकि बहुत ही योग्य शासक की जब समाप्ति हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात उत्तर भारत के जो राज्य थे वह एकता के सूत्र में बंधे नहीं रह सके। क्योंकि कोई एक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन जैसा नहीं हुआ और ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए, बढ़ गए। इन राजवंशों के पारस्परिक युद्ध, दिन रात का कलह तथा बढ़ते हुए विघटन से सामंतवादी प्रथा को प्रोत्साहन मिला। क्योंकि जो राज्य थे छोटे होते गए, तो अंत में इसने सामंतवादी प्रथा को प्रोत्साहन दिया। क्योंकि जो राजा थे दूर दराज के अपने क्षेत्रों में जाकर शासन पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे, तो उन्होंने जो छोटे छोटे क्षेत्रों का जो शासन है उन्होंने सामंतों के हवाले कर दिया कि आप सामंत लोग उसका देखरेख करेंगे। भारत केंद्रीय सत्ता के अभाव में यह काल आपसी संघर्षों का काल था। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थी, जैसे हर्षवर्धन और राजवर्धन की सत्ता थी, वैसी कोई केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता नहीं रह गई थी। इसलिए छोटे छोटे राज्य आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते थे। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे। इसी समय उत्तर पश्चिमी सीमा, जैसे अफगानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान, उधर से आक्रमण होना शुरू हो गया भारत में मुसलमानों का। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विकास भी इसी पृष्ठभूमि में हो रहा था और ऐसी परिस्थितियों में हिंदी साहित्य का आदिकाल रचा जा रहा था, उसकी पृष्ठभूमि रची जा रही थी। शासकों की आपसी लड़ाइयां, मुगलों के आक्रमणों का सामना, एकता का भाव, राज्यों का बिखराव और युद्धों ने देश को खोखला और जर्जर बना दिया, है ना। शासक आपस में लड़ रहे थे, मुसलमान लोग भी आक्रमण कर रहे थे, एकता का भाव था और राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। इसने क्या किया, देश को खोखला बना दिया। राजपूतों का उदय उस समय के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। धीरे धीरे वहाँ शासन में राजपूतों का वर्चस्व बढ़ने लगा, उनका आविर्भाव एक मजबूत शासकों के तौर पर होने लगा। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उस युग के राजपूतों का उदय उस समय के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उस युग के साहित्य में हुआ है। राजपूत धीरे धीरे समाज में शक्तिशाली होते चले गए, वे बहुत ही बहादुर थे। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उस युग के साहित्य में प्रमुखता से हुआ। उत्तरी भारत में राजपूतों के छोटे छोटे राज्य थे, तो ऐसी परिस्थितियों में राजपूत बहुत शक्तिशाली बनकर उभरे और इन्होंने उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। इनमें दिल्ली और अजमेर के चौहान, कन्नौज के राठौर, बंगाल और बिहार के सेन,
गुजरात के बघेल या सोलंकी तथा बुंदेलखंड के चंदेल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये जो शासक है राजपूत शासक, ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के नरेश विग्रहराज या बीसल देव ने दिल्ली झांसी तथा पंजाब के पूर्वी भाग पर तुर्कों से युद्ध किया तथा अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। 12वीं शताब्दी के जो शासक हुए थे बीसल देव, तो बहुत ही पराक्रमी थे। उन्होंने तुर्कों से युद्ध किया और अपना राज्य स्थापित करने में सफल रहे। इन राजपूत शासकों के शौर्य का वर्णन चारण कवियों ने किया है। तो ऊपर जितने भी उल्लिखित राजपूत राज्य हैं या राजपूत शासक हैं, उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उनके चारण कवियों ने किया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पृथ्वीराज रासो भी अत्यंत महत्वपूर्ण रासो साहित्य है। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन हम पृथ्वीराज रासो में देखने को मिलता है। उस युग की राजनीतिक व्यवस्था में दो मुख्य बातें मिलती है। क्या क्या दो महत्वपूर्ण बात है? केंद्रीय सत्ता का ह्रास और छोटे छोटे राज्यों का उदय। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आपको अपनी परीक्षा में लिखना है, इसको कोट करना है। उस युग की राजनीतिक व्यवस्था में दो मुख्य बातें मिलती हैं। केंद्रीय सत्ता का ह्रास, मतलब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रही जैसे हर्षवर्धन के समय में थी, और छोटे छोटे राज्यों का उदय, जैसे जो राजपूत राज्य आपने देखा वैसे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। राजनीतिक सत्ता का साहित्य के साथ क्या अंतर संबंध है तथा उसका प्रभाव किस रूप में साहित्य में फलित होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या राजनीतिक सत्ता का भी साहित्य पर कुछ असर पड़ता है? तो इसकी विवेचना करने की आवश्यकता है कि कोई राजनीतिक सत्ता साहित्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है। केंद्रीय व्यवस्था के ह्रास से संस्कृति के संदर्भ में भी केंद्रीयता का ह्रास हुआ। जब कोई केंद्रीय शासन नहीं रह गया, कोई केंद्रीय शासक नहीं रह गया, तो केंद्रीय संस्कृति भी नहीं रह गई और केंद्रीय संस्कृति का पतन हो गया। गुप्त युग और हर्ष युग की केंद्रीय सत्ता के ह्रास के बाद संस्कृत भाषा की केंद्रीयता भी समाप्त होती दिखाई देती है। मतलब गुप्त युग में और हर्ष युग में जो संस्कृत भाषा है उसको केंद्रीय स्थिति प्राप्त थी, वह अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा थी और उसी भाषा में साहित्य रचा जा रहा था, क्योंकि संस्कृत की स्थिति केंद्रीय स्थिति थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, संस्कृत की जो केंद्रीय स्थिति थी वह समाप्त हो गई, बोलचाल की भाषा में साहित्य रचना होने लगी। बोलचाल की जो भाषा थी वह साहित्य की भाषा बन गई। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा को महत्व दिया जा रहा था। पहले केवल संस्कृत में जो रचनाएं होती थी, लेकिन अब उसके स्थान पर आम बोलचाल की भाषा जैसे प्राकृत और अपभ्रंश है, उस भाषा को महत्व दिया जाने लगा, उस भाषा में साहित्य की रचना की जाने लगी, जिसका बाद में देश भाषा के विकास में व्यापक योगदान रहा। देश भाषा मतलब जिसको बाद में हम इससे बनते बनते हिंदी बनी, तो ऐसे ही जो आम बोलचाल की भाषा थी उसके निर्माण में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा। राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वह आपसी संघर्ष से संबंधित थी। छोटे छोटे राज्य आपसी प्रभाव वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रह गई और जो देश है वह छोटे छोटे, जो बहुत बड़ा राज्य था वह छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होता चला गया और ये राज्य अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में लड़ा करते थे। इसका असर भी साहित्य पर गहरे रूप में पड़ा, अतः साहित्य रचने की पद्धति बदल गई। राज दरबार में पांडित्य प्रदर्शन संस्कृत साहित्य की मूल विशेषता थी, इसका ह्रास होने लगा। पहले क्या होता था, जब संस्कृत भाषा को केंद्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था तब राज दरबारों में पांडित्य प्रदर्शन ही उसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, इस प्रवृत्ति का भी ह्रास होने लगा। साहित्य रचने के लिए अनुभव की जीवंतता अनिवार्य हो गई। चारण युद्ध क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करते थे, इसलिए उनकी रचना में अनुभूति की वास्तविकता होती थी। वे भले ही उसका अतिरंजना पूर्वक वर्णन करते थे। तो पहले जो संस्कृत साहित्य केवल दरबारों तक ही सीमित था, बाद में वह क्या युद्ध क्षेत्र तक चला गया। मतलब जो कवि थे उनके लिए केवल कविता करना ही महत्वपूर्ण नहीं था, केवल कि उनको कविता करना आना चाहिए, दरबार में उनको खाली चारण की तरह कविता पाठ करना है। अब यह हो गया, जो कवि है उनके लिए अनुभव की जीवंतता अनिवार्य हो गई। मतलब उसको अनुभव करना है युद्ध क्षेत्र में कैसी स्थिति होती है, कैसी लड़ाई होती है। मतलब ये केवल कलम के ही नहीं बल्कि तलवार के भी धनी हुआ करते थे। मतलब वीर गाथा काल या आदि काल के समय में जो कवि हुआ करते थे, जो चारण हुआ करते थे, उन वो केवल कलम के ही नहीं बल्कि तलवार के भी धनी हुआ करते थे, क्योंकि अनुभव की जीवंतता अनिवार्य हो गई थी कि वे भी युद्ध क्षेत्र में जाएं और युद्ध की परिस्थितियों को महसूस करें और तलवार लेकर लड़ाई में भी भाग लें। लेकिन भले ही वे अतिरंजना पूर्वक वर्णन करते थे,
लेकिन इससे उनकी वीरता में संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक संगठन का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित ना होकर साहित्य को भी प्रभावित करता है। आदिकाल का रासो साहित्य इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक संगठन है, वे केवल उनका प्रभाव राजनीति तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वे साहित्य को भी प्रभावित करते हैं, और रासो साहित्य इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। दूसरा, सामाजिक परिस्थितियां। सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी, आइए देखते हैं। विदेशियों के भारत आने पर भारतीय समाज में एक प्रकार की हलचल महसूस होने लगी, मतलब विदेशी लोग भारत में आने लगे। विदेशियों मुसलमानों को छोड़कर का हिंदू समाज में घुल मिल जाने से कई नई जातियों का उदय होने लगा। कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की जातियां आने लगी भारत में, तो इनके आने से क्या, मुसलमानों को छोड़कर, है ना, मुसलमानों को छोड़कर अन्य जातियां भी भारत में आई, और इससे कई नई जातियों का भी उदय हुआ। राजपूतों का वर्चस्व बढ़ना भी इस समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। राजपूतों का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ने लगा। राजपूतों के पास सत्ता होने से समाज में उनका दबदबा बढ़ा। राजपूतों के पास पूरी सत्ता थी, छोटे छोटे जो राज्य थे उनपे राजपूत शासक थे, तो उनका दबदबा बढ़ने लगा। ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा खतरा महसूस हुआ। जब समाज में राजपूतों का वर्चस्व बढ़ने लगा, तब ब्राह्मणों को लगा कि हमारे वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है, और उन्हें खतरा महसूस होने लगा। इसीलिए उन्होंने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा लचीला बना दिया और राजपूतों को नैतिक औचित्य तथा अपेक्षित महत्व प्रदान किया। इसका असर समाज पर भी बड़ा गहरा पड़ा। तो जो ब्राह्मण थे जिनका उस समय वर्चस्व था, उन्होंने राजपूत समाज को भी महत्व देना प्रदान किया, क्योंकि राजपूतों के पास सत्ता थी, और इससे भी इसका असर भी समाज पर पड़ा। दूसरे वर्गों के लोग भी ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने की मुद्रा में खड़े होने लगे। जो दूसरे वर्ण थे उनको भी लगा, आपको मालूम है कि उसमें वर्ण व्यवस्था पटली थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो तो दूसरे वर्ण, राजपूतों को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया है, जो तो दूसरे वर्गों के जो लोग हैं वो लोग भी ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने की मुद्रा में खड़े होने लगे। इसका जीवंत उदाहरण सिद्ध, नाथ, बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। समाज में फैले कर्म कांड के प्रति तीखा विरोध इनके साहित्य में मिलता है। तो जो ब्राह्मण साहित्य था, जो उनकी उनको चुनौती किसने दिया, सिद्धों ने, नाथों ने, बौद्धों ने और जैनों ने। इन्होंने समाज की जो कुरीतियां थी, जो समाज के कर्म कांड थे, उसका तीखा विरोध किया, और इनका यह विरोध इनके साहित्य में परिलक्षित होता है। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव था। सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा तथा विविध प्रकार के अंधविश्वास का विश्वासों का बोलबाला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की प्रधानता थी तथा अनेक जातियों उपजातियों में बंटकर भारत सामाजिक आदर्श खो चुका था। मतलब केवल चार वर्ण ही नहीं थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बल्कि यह समाज कई अन्य जातियों में विभक्त हो चुका था, और जो सामाजिक आदर्श थे भारतवर्ष का, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। जाति पाति के बंधन और अधिक कसते जा रहे थे। जाति व्यवस्था धीरे धीरे बहुत कठिन होती जा, मतलब और भी जाति पाति का जो बंधन है और भी दृढ़ होता जा रहा था, अधिक कसता जा रहा था। निर्धनता, दुर्भिक्ष, निरंतर होने वाला युद्ध और महामारियों ने सामान्य जनता को संकट में डाल दिया था। केवल यही परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि लोग गरीबी से जूझ रहे थे, अकाल पड़ रहा था, और निरंतर जो युद्ध हो रहा था और महामारियां आ रही थी, इन्होंने समाज को जर्जर कर दिया था, जनता को संकट में डाल दिया था। आदिकाल के कवियों ने ऐसे ही परिवेश और वातावरण के अनुसार काव्य रचना की सामग्री का चयन किया, और समाज की विषम परिस्थितियां जनता की रुचि के अनुकूल ही उस समय के साहित्य में प्रतिबिंबित होने लगी। तो केवल उन्होंने वीरता और शौर्य का वर्णन नहीं किया, बल्कि समाज की जो परिस्थितियां थी, जनता जो पढ़ना चाह रही थी, है ना, जो सुनना चाह रही थी, उस प्रकार के काव्य का भी उन्होंने सृजन किया और सामाजिक परिस्थितियों को अपने साहित्य में स्थान दिया। जनता की रुचि के अनुकूल उन्होंने साहित्य का सृजन किया, और यह उस समय के साहित्य में भी प्रतिबिंबित होता है। सामंतीय समाज में स्त्रियों की दशा में और भी गिरावट आई। छोटे छोटे राज्य बन गए, जो राजपुत्र शासक थे, अन्य शासक थे, वो अपने जो साम्राज्य के छोटे छोटे हिस्से थे, वहाँ उन्होंने सामंतों की नियुक्त कर दिया। और ये सामंतों क्या करते थे, एक साथ कई स्त्री अपने साथ रखते थे। राजा के लिए स्त्री मात्र भोग का साधन थी। स्त्रियों का सामाजिक कर्तव्य पुरुष के भोग का साधन बनने तक सीमित था। सामंतवादी व्यवस्था थी, स्त्रियों को कोई समाज में महत्वपूर्ण स्थान हासिल नहीं था, और उन्हें केवल भोग की सामग्री समझा जाता था।
क्योंकि सामंत और राजा लोग कई कई स्त्रियां रखते थे, कई कई पत्नियां रखते थे, तो उनके लिए स्त्रियों का जो सामाजिक कर्तव्य था वह केवल पुरुष के भोग का साधन बनने मात्र तक सीमित था। मतलब स्त्रियों की दशा में बहुत ही गिरावट आ गई थी। नारियों को मानवीय गरिमा के अनुकूल अधिकार नहीं था, उन्हें समाज में कोई हैसियत नहीं थी, कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। समाज की ऐसी मान्यताओं के प्रभाव से साहित्य भी अछूता नहीं रहा, तो इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। जो स्त्रियों की दशा दयनीय हो गई थी, इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। जिस तरह धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते थे, इसी प्रकार अब सुंदर नारी युद्ध का कारण हो गई। पहले केवल धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते थे, एक साम्राज्य अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता था, लेकिन बाद में सुंदर नारी भी युद्ध का कारण हो गया, सुंदर स्त्रियां भी युद्ध का कारण बन गई। पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो में कवि ने युद्ध का कारण ही सुंदर नारी का शत्रु के यहाँ से भागकर नायक के यहाँ आ जाने को परिकल्पित किया है। पृथ्वीराज और राज रासो और बीसल देव रासो में भी कवि ने युद्ध का कारण क्या बताया कि कोई सुंदर स्त्री, कोई सुंदर नारी जो नायिका है, वह नायक के घर भागकर आ जाती है। सामंतों का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था, उसका प्रभाव धर्म पर भी पड़ा। सामंत लोग एक साथ कई स्त्रियां रखते थे, कई पत्नियां रखते थे, तो उसका प्रभाव धर्म पर भी पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। मंदिरों में देवदासियों की प्रथा शुरू हो गई, मतलब मंदिरों में देवदासी, मतलब जो स्त्रियां भगवान के लिए समर्पित हो जाती हैं, मतलब मंदिरों में देवदासी प्रथा का व्यवस्था हो गया। देवदासी मतलब वह किसी की पत्नी नहीं बन सकती और वह ईश्वर के चरणों में ही अपने आप को समर्पित रखेगी। यहां तक कि बौद्ध धर्म में तांत्रिक संप्रदाय का आरंभ हुआ। बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक संप्रदाय का प्रारंभ हो गया। वज्रयानियों में वज्रयान, महायान, हीनयान बहुत सारे बौद्ध धर्म के हुए, आपको पता होगा। वज्रयानियों में ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान का प्रारंभ हुआ। तो वज्रयानियों में क्या हुआ, विभिन्न प्रकार की वर्णों की जो स्त्रियां हैं और मद्यपान है, मतलब शराब और क्या बोलते हैं, मांस मदिरा, इन सब का सेवन करने लगा और ये इसके आधार पर भी अपना कर्मकांड करने लगे। सिद्धों के साहित्य में तो ब्रह्मानंद को सहवास सुख के समान माना गया। सिद्ध साहित्य भी उस समय रचे जा रहे थे, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो सिद्धों के साहित्य में जो ब्रह्मानंद है, जो परमानंद है, उसे सहवास सुख के समान माना गया है। मतलब स्त्रियों के साथ सहवास से जो सुख प्राप्त होता है, वही ब्रह्मानंद से उसकी तुलना की गई है कि सहवास का सुख जो है ब्रह्मानंद के समान है। तीसरा, आर्थिक परिस्थितियां। आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी? साहित्य और राजनीति, साहित्य और समाज के अंतर संबंधों पर चर्चा करने के उपरांत अब हम साहित्य और अर्थव्यवस्था के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या समाज की अर्थव्यवस्था का साहित्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है, इसे हम इसका अध्ययन करेंगे। इस युग का समाज पूरी तरह कृषि आधारित समाज था, मतलब आदिकाल या वीरगाथा काल का जो समाज था वह कृषि आधारित समाज था। किसानों की पैदावार से ही हर छोटे बड़े राज्य का पोषण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरकारों को नकद वेतन नहीं मिलता था, अपितु उन्हें जागीर दी जाती थी। ये सारे मध्यस्थ समुदाय खेती नहीं करते थे, बड़े ऐशो आराम से जीवन गुजारते थे। मतलब राज्य के जो सैनिक अधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, मतलब जो राज्य सरकार के कर्मचारी थे, राज्यों के जो कर्मचारी थे, उन्हें नकद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको जागीर दी जाती थी, खेती दी जाती थी। और ये जो समझाए थे, मध्यस्थ समुदाय थे, मतलब यह राज्य और किसानों के बीच के जो समुदाय थे, ये खेती स्वयं नहीं करते थे, इसके बावजूद भी ये बहुत ही ऐसो आराम से जीवन गुजारा करते थे, क्योंकि ये किसानों से करों का संग्रह करते थे। इन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं थी, ये किसानों से करों का संग्रह करते थे। किसानों की पैदावार में राज्य का हिस्सा कभी कभी 50% तक होता था। ये देखिए, कृषकों के द्वारा जो राज्य को कर दिया जाता था, कृषि कर, वह कभी कभी 50% तक होता था। मतलब जितना उत्पादन हुआ है उनके खेत में, उसका 50% हिस्सा उन्हें कर के रूप में राज्य को सौंपना होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, उत्पादक और उपभोक्ता। मतलब जो सामंत व्यवस्था थी, तो जो समाज है उस समय भी दो भागों में विभाजित था, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक कृषक वर्ग था और जो उपभोक्ता थे वे सामंत वगैरह हुआ करते थे, राज्यों के अधिकारी हुआ करते थे। उत्पादक वर्ग को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वे श्रम करते थे। वास्तव में जो कृषक थे, जो श्रम करने वाला वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसे क्या है, बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। उपभोक्ता सुख से रहते थे, इसलिए उच्च वर्ग से उनका संबंध था।
मतलब जो उपभोक्ता थे, जो सामंत थे, जो अधिकारी थे, ये बहुत सुखपूर्वक रहते थे और उच्च वर्ग से उनका संबंध था, है ना। कवि और चारण भी उच्च वर्गों के मनोनुकूल साहित्य की रचना करते थे, इसलिए उस समय जो कवि थे, जो चारण थे, वे उच्च वर्गों के मन मुताबिक अपने काव्य की रचना करने लगे। ये भी एक बात थी। और क्या क्या विशेषता थी उनके साहित्य में उस समय देखते हैं, ये देखिए, नख शिख वर्णन, मतलब सिर सिर से लेकर पैर तक नायिका का वर्णन, नख शिख वर्णन, षड ऋतु वर्णन, 6 ऋतुओं का वर्णन और सौंदर्य वर्णन इस काल के साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नारी के सौंदर्य का वर्णन और विभिन्न ऋतुओं का वर्णन, सौंदर्य का वर्णन इस काल के साहित्य में प्रचुरता से उपलब्ध है, लेकिन कृषक को साहित्य में कोई स्थान नहीं मिला है, किसानों को उनके साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया गया। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक कुरीतियों को भले ही स्थान दिया गया, लेकिन जो किसान है, किसानों को कोई महत्व नहीं दिया गया। धार्मिक साहित्य में भी कृषक जीवन की पीड़ा और संकट को अभिव्यक्त नहीं किया गया। धार्मिक साहित्य भी रचा गया, लेकिन किसानों की जो पीड़ा और उनके संकट थे, उसे भी स्थान नहीं दिया गया। जबकि भक्तिकालीन साहित्य ने निम्न वर्ग और किसानों की पीड़ा को साहित्य के अभिव्यक्त दिए। भक्तिकाल का जो साहित्य है ना, उसने निम्न वर्ग और किसानों की पीड़ा को साहित्य के अभिव्यक्ति दी है। इसी अर्थ में वह प्रगतिशील साहित्य है। भक्ति साहित्य ने व्यवस्था की सीमाओं से परे जाकर समाज के लिए स्वप्न देखा है। इसीलिए जो भक्ति युग है, उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य, जो कि समाज के जो निम्न वर्ग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, स्त्रियां हैं, है ना, उनकी पीड़ा को भक्ति साहित्य ने अभिव्यक्ति प्रदान किया है। और भक्ति साहित्य ने व्यवस्था की सीमाओं से परे जाकर समाज के लिए स्वप्न देखा है, एक स्वर्णिम समाज के निर्माण का स्वप्न देखा है। मध्यकालीन समाज में आर्थिक गतिविधि के तौर पर व्यापार का ह्रास हो रहा था। व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे मध्यकाल में। व्यापार के पतन से नगर उजाड़ हो गए, क्योंकि जब व्यापार ही नहीं रहा तो नगर भी धीरे धीरे उजड़ने लगे। भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाहर कहीं बाजार नहीं रह गया था, मतलब भारत से बाहर, भारत मतलब जो वस्तुओं का निर्यात घट गया था या कम हो गया था, क्योंकि बाहर कोई बाजार नहीं रह गया था। नगर में रहने वाले शिल्पी और वणिक लोग देहात चले गए थे। पहले जो शिल्पी, जो शिल्पकार हुआ करते थे, जो वणिक, है ना, वैश्य लोग हुआ करते थे, वे पहले नगर में रहते थे व्यापार के लिए, लेकिन जब व्यापार का पतन हुआ तब वे लोग गांव देहात में चले गए। इससे कृषि पर और अधिक भार पड़ गया, क्योंकि जब नगर में रहने वाले लोग, जो नगर में रहने वाले जो वैश्य लोग थे या फिर व्यापारी वर्ग थे, वे भी देहात में आ गए, तो देहात में, चूंकि देहात के लोग, कृषि पर उनका जीवन यापन करना पड़ता था, इसलिए कृषि पर और अधिक भार बढ़ गया। नगरों के ह्रास से अखिल भारतीय संपर्क का सूत्र कमजोर हो गया। मतलब नगरों का जब पतन हुआ, जब नगर थे तब क्या होता था, व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो देहात का नगर से, एक नगर के रहने वालों को दूसरे नगर में रहने वाले लोगों से संपर्क हुआ करता था। पर्यटन, वे लोग पर्यटन के लिए जाते थे, व्यापार के लिए जाते थे, तो अखिल भारतीय संपर्क बना रहता था, लेकिन यह संपर्क का सूत्र भी खत्म हो गया, कमजोर हो गया। व्यापार के विकास से जिस सामान्य संपर्क भाषा का विकास होता है, उस भाषा का विकास स्वाभाविकता से नहीं हो पाया। मतलब जब व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो अपने साथ अपनी भाषाएं भी लेकर जाते हैं और वहां की भाषाओं को भी सीखकर वापस आते हैं, तो इससे क्या होता है, एक संपर्क भाषा का विकास होता है, तो यह संपर्क भाषा का विकास भी स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाया। भाषा के सामान्य संपर्क और संचार के अभाव में भाषा का स्वरूप भी स्थानीय हो गया, इसीलिए प्रादेशिक विविधता साहित्य का आधार हो गई। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो आपस में संबंध स्थापित करते थे, एक दूसरे की भाषाओं को सीखते थे, तब तो जो भाषा का रूप होता था वह अखिल भारतीय हो जाता था। लेकिन लोग जब बाहर नहीं जाने लगे, व्यापार उनका जो व्यापार का ह्रास हो गया, वे छोटे छोटे स्थानों में रहने लगे, तो स्थानीय जो प्रादेशिक भाषा थी वह साहित्य का आधार हो गई। मतलब कोई अखिल भारतीय संपर्क भाषा नहीं रही, बल्कि जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनमें ही साहित्य का सृजन किया जाने लगा, और प्रादेशिक विविधता, प्रादेशिक भाषाई विविधता ही साहित्य का आधार हो गई। धार्मिक परिस्थितियां कौन सी थी? सम्राट हर्षवर्धन के समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों का समान आदर था, किंतु राजनीति की तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद धार्मिक परिस्थितियां भी बदली। सम्राट हर्ष के समय में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों को ही बराबर महत्व दिया जाता था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात धार्मिक परिस्थितियां भी बदली। वेद शास्त्रों के विधि विधान और कर्म कांड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगा। हर्षवर्धन के समय में इनके बीच में संघर्ष नहीं होता था, लेकिन बाद में ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में संघर्ष होने लगा। आम आदमी धर्म के वास्तविक आदर्श को भूलकर जादू टोने और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगा। जो धर्म का जो वास्तविक आदर्श थे उसको भूल गए,
जादू टोना और तंत्र मंत्र को महत्वपूर्ण मानने लगे। बौद्ध धर्म का विकास हीनयान, वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान आदि और शाखाओं में होने लगा था। बौद्ध धर्म की इन शाखाओं में मंत्र, तंत्र, हठ योग आदि के साथ पंचमकारों, पंचमकार में क्या क्या आते हैं, मांस, मैथुन, मत्स्य, मध्य तथा मुद्रा को भी विशेष स्थान प्राप्त होता जा रहा था। इनके बिना साधना अधूरी मानी जाती थी। मतलब बौद्ध धर्म में देखे विकृतियां घर कर गई और पंचमकार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए थे। पंचमकार मतलब म से चालू होने वाले पांच शब्द हैं, मांस, मैथुन, मैथुन मतलब सहवास, मत्स्य मतलब मछली, मध्य मतलब मदिरा या शराब और मुद्रा मतलब पैसा। इनके बिना साधना अधूरी मानी जाती थी। इस रूप में यह मत विकारों को प्रसाद देने लगा तथा वाम मार्गी हो गया। वाम मार्गी मतलब जो पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, जो नैतिक मूल्यों का जब पतन हो जाता है तब वे वाम मार्गी हो जाते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोने तथा भोग विलास को लेकर चलने वाले ये वाम मार्गी बौद्ध सिद्ध कहलाए तथा दूसरी तरफ धर्म, नियम, संयम और हठ योग के द्वारा साधना के कठिन मार्ग पर बढ़ने वाले नाथ, नाथ के रूप में, नाथ सिद्ध के रूप में जाने गए। मतलब जो तंत्र मंत्र, इन सब तंत्र मंत्र, जादू टोना, भोग विलास का जो प्रयोग करते थे अपनी साधना में वो सिद्ध कहलाए और जो बिल्कुल धर्म, नियम, संयम से जीवन यापन करते थे वे कहलाए नाथ कहलाए, सिद्ध और नाथ। पर अपने मूल रूप में ये दोनों ही बौद्ध थे जो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के विकृत या परिवर्तित रूप में ढलते चले गए। परंतु तो शुरुआत में ये बौद्ध ही थे लेकिन धीरे धीरे जब विकृत या परिवर्तित रूप होता गया बौद्ध धर्म का तब ये नए रूप में परिलक्षित होने लगे। आदिकालीन साहित्य की जब रचना हो रही थी उस काल में उत्तर भारत में तंत्रवाद का विकास हो रहा था। उत्तर भारत में एक नई चीज जन्म ले रही थी, तंत्रवाद, तंत्र मंत्र। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हो चुका था। इसी समय दक्षिण में क्या है, आपको मालूम है कि दक्षिण से ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, है ना। भक्ति दक्षिण उपजे लाए रामानंदी, आपकी पंक्तियां पढ़ी होगी। उत्तर भारत में तंत्र संप्रदाय का फैलना धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ी घटना थी। तंत्र मार्ग क्या था, तंत्र मार्ग में स्त्री और शूद्रों दोनों के लिए द्वार खुला था। मतलब पहले समाज में स्त्री और शूद्रों दोनों को ही बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें किसी भी सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की पात्रता नहीं थी। लेकिन तंत्र मार्ग ने इन दोनों के लिए दरवाजा खोल दिया, स्त्रियों के लिए और शूद्रों के लिए। इसलिए जन सामान्य के बीच इसका प्रचार हो रहा था, इसलिए लोगों के बीच इसका व्यापक प्रचार होने लगा। तंत्र मार्ग मात्र बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं था, जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव सभी संप्रदायों में तंत्रवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। तंत्रवाद मतलब तंत्र मंत्र का प्रयोग, है ना, अपनी साधना में तंत्र मंत्र का प्रयोग। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि स्त्री और शूद्रों के प्रति सामान्य स्वीकृति बन रही थी, क्योंकि समाज में तंत्रवाद बढ़ रहा था और तंत्रवाद ने स्त्री और शूद्रों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि समाज भी धीरे धीरे स्त्रियों की और शूद्रों के महत्व को स्वीकार करने लगा था, उन्हें अपने सभी जैसे धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधियों में उन्हें शामिल करने लगा, उन्हें महत्व प्रदान करने लगा। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन विकसित हो रहा था। ये भक्त नैनार और अलवार थे, है ना। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन जन्म हुआ उसमें भक्त दो प्रकार के थे, नैनार और अलवार। इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे, नैनार और अलवार क्या थे। तंत्र मार्ग और भक्ति दोनों ने जाति विषमता की जगह समानता के महत्व को प्रतिपादित किया। मतलब पहले जाति विषमता बहुत ही, समाज अनेक जातियों में बटा हुआ था, लेकिन इन्होंने समानता के महत्व को प्रतिपादित किया। एक अच्छी बात है कि सबको महत्व दिया जाने लगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय के लोग थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म आध्यात्मिक सरोकार से ज्यादा सामाजिक सरोकार था। तो जो धर्म था उस समय उसका महत्व आध्यात्मिक रूप से उतना ज्यादा नहीं था जितना सामाजिक रूप से था। हर जगह स्थापित जीवन मूल्यों और परंपरावादी मतवादों पर प्रश्न खड़ा किया गया था। इसका प्रभाव नाथों और सिद्धों के साहित्य में दिखाई पड़ता था। जो पुराने पारंपरिक और स्थायी स्थापित जीवन मूल्य थे, जो परंपरावादी मत थे, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया कि क्या यह हमारे समाज के लिए सही है, क्या यह हमारे समाज के लिए अच्छा है। और इसीलिए मतलब एक क्रांतिकारी व्यवस्था आई जिसमें शूद्रों को और स्त्रियों को तथा विभिन्न जातियों के लोगों को बराबर स्थान प्रदान किया गया और इसका प्रभाव नाथों और सिद्धों के साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। मतलब समानता प्रदान किया गया सबको। पांचवा है मिश्रित सांस्कृतिक प्रक्रिया। सातवीं से बारहवीं शताब्दी का भारत एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया में था। मतलब विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हिंदुस्तान आ रही थी और भारत आकर वे हमारी संस्कृतियों के साथ मिल जा रही थी, घुल मिल जा रही थी। मिश्रित करने का अर्थ है कि अनेक धाराएं उसमें आकर मिली और मिलकर रह हुई।
मतलब 7वीं से 12वीं शताब्दी तक बहुत सारे अन्य विदेशी राष्ट्रों से लोग हमारे भारत में, उन्होंने आया आक्रमण किए, उनके साथ उनकी संस्कृतियां भी आई। अब यह संस्कृतियां हमारी संस्कृतियों के साथ घुल मिल गई। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का परस्पर संपर्क बढ़ रहा था। 7वीं सदी से 12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति, इन दोनों का संपर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया था, संपर्क बढ़ रहा था। प्रारंभ में दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में जमकर खड़ी होती हैं, पर जैसे जैसे सत्ता में मुगलों का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इस्लाम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर पड़ता गया। शुरुआत में जब मुसलमान भारत में आए, तब भारतीय संस्कृति और मुसलमान जो मुगलों की जो संस्कृति है उसमें टकराव स्वाभाविक था, टकराव भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे सत्ता में मुगलों का वर्चस्व बढ़ता गया, वैसे वैसे इस्लाम संस्कृति का हिंदू संस्कृति पर प्रभाव भी बढ़ता गया। क्योंकि जो मतलब जिसका शासन रहता है, जो सत्ता केंद्र में रहती है, उसकी संस्कृति का प्रभाव अन्य संस्कृतियों पर पड़ना भी बहुत ही स्वाभाविक है। तत्कालीन कला और संस्कृति के क्षेत्र में परस्पर आदान प्रदान को सहज ही देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हिंदू संस्कृति पर मुसलमान जो मुगलों की संस्कृति का प्रभाव पड़ा, मुसलमानों की संस्कृति का प्रभाव पड़ा, बल्कि मुसलमानों पर भी, मुगलों पर भी भारतीय संस्कृति का या हिंदुस्तानी संस्कृति का प्रभाव पड़ा। कला और संस्कृति के क्षेत्र में परस्पर आदान प्रदान को सहजता के साथ देखा जा सकता है। कला के गतिमान और सृजनात्मक रूप में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही थी। मतलब जो जो नए नए भवन जो बनाए जा रहे थे, कला और संस्कृति और साहित्य और स्थापत्य सभी में ही आदान प्रदान देखा जा रहा था। भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण हो रहा था। देखिए जो भाषा थी, हमारी जो भाषा थी उसमें अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण हो रहा था। स्थापत्य में पहले से चली आ रही भारतीय विशेषताओं के साथ मुस्लिम स्थापत्य के मेहराब का सम्मिश्रण हो चुका था। मतलब भारतीय स्थापत्य जो थी उसके साथ में मुसलमानों का जो मेहराब था, है ना, मुस्लिम स्थापत्य में जो मेहराब बनाए जाते हैं उनका सम्मिश्रण हो चुका था। स्थानीय स्थापत्य कला का भी मुस्लिम स्थापत्य से सहयोग बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए राजपूताना शैली और गुजराती शैली का नाम गिनाया जा सकता है। मतलब स्थानीय स्थापत्य कला थी उस पर भी मुस्लिम स्थापत्य के साथ सहयोग बढ़ रहा था, जैसे कि राजपूताना शैली और गुजराती शैली पर मुस्लिम स्थापत्य का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। संगीत के क्षेत्र में नए नए वाद्य यंत्रों और नए रागों का प्रचलन बढ़ रहा था। जब मुगल भारत में आए तो वे कई नए प्रकार के वाद्य यंत्र भी लेकर आए, कई नई नए प्रकार के राग भी लेकर आए, और इनका भी प्रचलन हमारे हिंदुस्तान में बढ़ने लगा। सारांश यह है कि भारतीय संस्कृति के समावेशी तत्वों का विकास हो रहा था। कहने का मतलब यह कि जो भारतीय संस्कृति है और जो मुगलों की जो संस्कृति है या फिर अन्य संस्कृतियां जो भारत में आई थी, उनका प्रभाव हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति पर, हिंदू संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर पड़ रहा था, और आदान प्रदान की प्रक्रिया भी चल रही थी। मतलब भारतीय संस्कृति का प्रभाव भी उन पर पड़ रहा था, मुगलों पर या अन्य संस्कृतियों पर पड़ रहा था, और उनका प्रभाव भी भारतीय संस्कृतियों पर पड़ रहा था, और इस प्रकार समावेशी तत्वों का विकास हो रहा था। साहित्यिक परिस्थितियां कौन सी देखते हैं। इस युग में संस्कृत साहित्य प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ। पहले हर्षवर्धन के समय में संस्कृत साहित्य प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ था। ज्योतिष दर्शन एवं स्मृतियों पर अनेक टीकाएं लिखी गई, है ना, ज्योतिष दर्शन और स्मृतियां हैं, इनकी अनेक व्याख्या लिखे गए, इन पर टीकाएं लिखी गई। नाटक कविता आदि के क्षेत्र में अलंकार प्रदर्शन ही साहित्यकारों का मूल उद्देश्य हो गया। उस समय जो नाटक लिखे जा रहे थे, जो कविता लिखी जा रही थी, उनमें अलंकारों का प्रदर्शन ही साहित्यकारों का मूल उद्देश्य था कि किस प्रकार से वे नए नए अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं। श्री हर्ष का नैषधीय चरित इस तथ्य का प्रमाण है। अगर आप पढ़ते हैं श्री हर्ष का नैषधीय चरित, तब उसमें आप विभिन्न प्रकार के अलंकारों का दर्शन होगा। राजा भोज उच्च कोटि के विद्वान एवं कवियों के आश्रयदाता थे। ये बहुत ही विद्वान थे राजा भोज। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियों का सृजन किया है। कल्हण की राज तरंगिणी इसी दिशा में एक नया अवधान है। कल्हण नाम के जो कवि हुए, उनकी जो राज तरंगिणी है वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है जो इस समय रची गई। इस समय के वज्रयानी सिद्धों, है ना, इस समय के वज्रयानी सिद्धों, नाथपंथी योगियों, जैन धर्म के अन्यायी आचार्यों एवं मुनियों की रचनाएं धार्मिक उपदेश पूर्ण शैली में मिलती हैं। इस समय जो सिद्ध हैं, जो नाथ हैं, जो योगी हैं और जैन धर्म के जो अन्यायी आचार्य हैं, इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वे प्राय धार्मिक
उपदेशपूर्ण शैली में लिखी गई। वे धार्मिक रचनाएं हैं जो लोगों को उपदेश देने के लिए लिखी गई हैं। साथ ही वीरता एवं श्रृंगार से ओतप्रोत चित्र प्रस्तुत करने वाले चारणों एवं भाटों की रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं। मतलब इस समय जो भाट और चारण हुए थे, जो राजाओं की वीरता और स्त्रियों की सुंदरता का वर्णन करते थे, इस प्रकार की रचनाएं भी इस समय प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अब अंत में देखते हैं, हम निष्कर्ष या निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं रहती परीक्षा में, यह वास्तव में उपसंहार है। यह क्या है? आपका उत्तर का उपसंहार है। आदिकाल का संपूर्ण साहित्य भारतीय जीवन के संक्रांति काल में निर्मित हुआ है। मतलब आदिकाल का जो साहित्य है, उसमें राजनीतिक धार्मिक कोई किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं थी। यह एक संक्रांति का काल था, मतलब समाज बदल रहा था, धार्मिक आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां बदल रही थी, इसलिए आदिकाल का जो संपूर्ण साहित्य है संक्रांति काल में निर्मित हुआ है। स्थान भेद के आधार पर इस युग का साहित्य दो आयाम में विकसित हुआ है, पश्चिमी अंचल का साहित्य और पूर्वी अंचल का साहित्य। मतलब आदिकाल का जो साहित्य है वह दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, पश्चिमी अंचल के साहित्य के रूप में और पूर्वी अंचल के साहित्य के रूप में। पश्चिम अंचल में शौर्य और विलासिता से पूर्ण सामंती जीवन का प्रवेश विद्यमान था। जो पश्चिमी जो साहित्य है, पश्चिम अंचल का साहित्य था, उसमें शौर्य और विलासिता का वर्णन अधिक मिलता है। इसमें क्या दिखता है आपको? शौर्य और विलासिता से पूर्ण सामंती जीवन का प्रवेश विद्यमान है। अतः इस क्षेत्र की कृतियों में राज स्तुति, ऐतिहासिक वीर और श्रृंगार की प्रवृत्तियां मिलती हैं, है ना? क्योंकि जो सामंत हैं या जो राजा हैं, उनकी स्तुति मिलेगी यहाँ पर आपको, स्त्रियों का वर्णन मिलेगा, ऋतु वर्णन मिलेगा, श्रृंगार और ऐतिहासिक वर्णन मिलेगा। जैन धर्म का क्षेत्र होने के कारण इस अंचल की रचना में जैन धर्म का विवेचन विश्लेषण उपलब्ध होता है। पश्चिम का जो साहित्य है, पश्चिम का जो क्षेत्र है, वह जैन धर्म का क्षेत्र है, इसलिए जैन धर्म का विवेचन विश्लेषण भी यहाँ पर मिलेगा। अतः पश्चिम अंचल में किस प्रकार के काव्य रचे गए? चरित्र प्रधान और प्रशस्ति प्रधान काव्यों की रचनाएं पूर्ण हुई। लेकिन पूर्वी अंचल में बौद्ध धर्म के निरंतर परिवर्तन का प्रभाव सिद्ध साहित्य में प्रतिच्छायित मिलता है। मतलब सिद्धों का जो साहित्य है वह पश्चिम अंचल में रचा गया, और बौद्ध धर्म में जो निरंतर परिवर्तन हो रहा था उसे इसमें परिलक्षित किया गया। सिद्धों तथा सिद्ध साहित्य के प्रतीय के परिणाम स्वरूप नाथों तथा नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो पूर्वी अंचल का साहित्य है, वहां सिद्ध साहित्य रचा गया, और सिद्ध साहित्य की जो रचनाएं हैं, जो विश्वास हैं, उन्हीं के प्रतिक्रिया के विरुद्ध नाथों का जन्म हुआ और नाथ साहित्य का जन्म हुआ, नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस प्रकार हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया है। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं कि आज का मेरा ये एपिसोड कैसा लगा। यदि किसी और विषय पर आप कोई इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो लिख कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि मेरा यह आज का एपिसोड कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।